हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में और एक बार दिल के साथ स्वागत है। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आई होप आप सभी को कल का वीडियो जरूर अच्छा ही लगा होगा। सो आज क्या करते हैं, आज कुछ नया विषय पढ़ेंगे जो कि हम घर में ज्यादातर उसे यूज करते हैं। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों, पूरा आसान है। हम बस चार शब्दों से ही हम अपना रिलेशन को लंबा लंबा कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जो चार वर्ड हैं, ओनली ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नॉर्मल हम बोलते हैं ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। उसी प्रकार तेलुगु में भी चिन्ना पेद्दा, चिन्नदी पेद्दी। क्या बोला मैंने? चिन्ना पेद्दा, चिन्नदी पेद्दी। तो ठीक है दोस्तों, चिन्ना मतलब छोटा, पेद्दा मतलब बड़ा, चिन्नदी मतलब छोटी, पेद्दी मतलब बड़ी। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम अपने परिवार वालों को किस प्रकार से हम हमारे घर में बुलाते हैं वो आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे घर में जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे हमारे दादाजी दादी माँ होते हैं, जो हमारे पिताजी होते हैं, माताजी होते हैं, चाचा जी होते हैं, चाची जी होते हैं, उसी प्रकार हम उन्हें किस प्रकार से संबोधन करते हैं उसे हम तेलुगु में जानेंगे। दोस्तों, हम हमेशा अपने बड़ों को सम्मान के साथ ही बुलाते हैं, जैसे दादा जी, पिताजी, दादी जी, माताजी, इस प्रकार। ठीक उसी प्रकार तेलुगु में भी वैसे बुलाया जाता है, लेकिन जी कहकर नहीं, गारू। क्या बोलकर? गारू, जी मतलब गारू। जैसे पिताजी, पिता प्लस जी इज इक्वल टू पिताजी होता है। ठीक उसी प्रकार नाना प्लस गारू, नाना गारू, नाना प्लस गारू, नाना गारू। फिर माताजी को हम बुलाते हैं अम्मा प्लस गारू, अम्मा गारू, अम्मा गारू। दोस्तों, हम साउथ में अम्मा गारू ना बोलकर अम्मा भी बुलाते हैं। मान लीजिए कोई बाहर में कोई वृद्धा स्त्री होगी या हमसे कोई उम्र बहुत बड़े होंगे, जो हमारे माँ के समान होते होंगे, हम उन्हें अम्मा गारू कहकर बुला सकते हैं। ऐसे बुलाने से उनको बहुत ही संतुष्टि मिलती है। अभी आते हैं चाचा जी। चाचा जी को हम तेलुगु में बाबैया या बाबैया गारू बुलाते हैं। गारू मतलब जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बाबैया गारू। क्या बोला मैंने? बाबैया गारू। फिर हम चाची को बुलाएंगे पिन्नी, पिन्नी। क्या बुलाएंगे? पिन्नी, पिन्नी गारू। देखिए दोस्तों, हमारे जो करीब होते हैं, हमारे खुद के जो रिलेशन होते हैं, हम पिन्नी बुला सकते हैं, बाबैया बुला सकते हैं। जो बाहर से जो होते हैं, जो हमारे कोई पिताजी के दोस्त हों या मम्मी के या कोई सहेली हो, जो भी हो, हम उन्हें इस प्रकार बुला सकते हैं, बाबैया गारू, पिन्नी गारू, इस प्रकार हम बुला सकते हैं। ऐसे तो नहीं, आप हमारे घर में जो रहते हैं, इज्जत के साथ उन्हें भी आप बाबैया गारू, पिन्नी गारू भी बुला सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आज हम जो चार वर्ड जोड़ने वाले हैं वो क्या क्या हैं? चिन्ना पेद्दा, चिन्नदी पेद्दी। तो दोस्तों देखिए, जिस घर में बड़े भाई बड़ी बहनें, छोटे भाई छोटी बहन होते हैं, उन्हें हम किस प्रकार बुलाते हैं? जैसे हमारी बड़ी बहन होगी, बड़ी बहन को हम अक्का बुलाते हैं। जो बड़ी होती है उसे अक्का, अगर वो बड़ी है, सबसे बड़ी है, तो हम पेद्दा अक्का, पेद्दा मतलब बड़ी, पेद्दा मतलब बड़ी, उसीलिए पेद्दा अक्का। उसी प्रकार बड़े भाई को अन्नैया बुलाते हैं, बड़े भाई को अन्नैया, पेद्दा अन्नैया, पेद्दा मतलब बड़ा, पेद्दा अन्नैया। जानेंगे दोस्तों, अभी हम जानेंगे हमारे छोटे भाई को। छोटे भाई को
छोटा मतलब चिन्ना, छोटा मतलब चिन्ना, भाई तम्मुडु, चिन्ना तम्मुडु, छोटा भाई चिन्ना तम्मुडु। उसी प्रकार आपकी कोई छोटी बहन होगी तो उसे हम चेल्ली बोलेंगे, चेल्ली या चेल्लाई, चेल्लाई भी बुला सकते हैं आप, चेल्ली भी बोल सकते हैं। अगर आपसे छोटी हो, अगर आपसे कोई पूछे तो यह छोटी बच्ची कौन है या छोटी लड़की कौन है, तो आप बोल सकते हैं ये मेरी चिन्ना चिल्लाई है, चिन्ना चिल्लाई, चिन्ना चिन्ना मतलब छोटी, चिल्लाई मतलब बहन, चिन्ना चिल्लाई। हो गया दोस्तों। मान लीजिए आपकी बड़ी बहन का शादी हो चुका है, जिस प्रकार आप अपने जीजाजी को जीजाजी बुलाते हैं, हम तेलुगु में बावा बुलाते हैं, बावा बावा। मान लीजिए आपकी कोई दीदी की सहेली होगी, उनके हस्बैंड को भी हम बावा या बावगारू बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? बावगारू। मान लीजिए आपके जो बड़े भाई होंगे उनका शादी हो जाएगा, उनकी जो मिसेस होती हैं उन्हें हम तेलुगु में वदीना बोलते हैं, वदीना। क्या बोलते हैं? वदीना, वदीना। जान गए दोस्तों बाद में? आई होप दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत तो मालूम चल ही गया है कि घर में परिवार वालों को हम किस प्रकार से बुलाते हैं। अब चलते हैं मामा जी की ओर। आप हिंदी में अपने मामा को मामा या मामा जी बुलाते हैं, हम लोग तेलुगु में मामा को मावैया बुलाते हैं, मावैया। क्या बुलाते हैं? मावैया। और उनकी जो मिसेस होती हैं वो अत्तैया, मामी को हम अत्तैया बोलते हैं, मामा को मामैया और मामी को अत्तैया। जान गए दोस्तों किन्हीं हम किस प्रकार से बुलाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में कुछ बताया था कि नी पेर एंटी, आप तो जान गए नी पेरु एंटी मतलब तेरा नाम क्या है, मी पेरु एंटी मतलब आपका नाम क्या है, ये तो आप लोगों ने अच्छे से जान लिया होगा। अभी हम पूछेंगे, मान लीजिए मैं आपसे पूछूंगा मी नानगारु पेरु एमिटी, नानगारु मतलब क्या? पिताजी। मैंने आपके पिताजी का नाम पूछा, मी मतलब आपके, नानगारु पिताजी, पेर एमिटी पिताजी का नाम क्या है। उसी प्रकार मैं आपसे पूछूंगा आपकी माताजी का नाम क्या है, मी अम्मा गारु पेरु एमिटी, मी अम्मा गारु पेरु एमिटी। समझ रहे ना दोस्तों, मतलब आपके माताजी का नाम क्या है। मान लीजिए आपके चाचा जी के बारे में कोई पूछेंगे तो मी बाबैया गारु पेरु एमिटी, मी बाबैया गारु पेरु एमिटी मतलब आपके चाचा जी का नाम क्या है। मान लीजिए कोई आपके चाची जी के बारे में पूछेंगे तो मी पिन्नी गारु पेरु एमिटी, क्या बोला मैंने? मी पिन्नी, पिन्नी मतलब चाची, तेलुगु में चाची को हम पिन्नी बोलते हैं, पिन्नी या पिन्नीगारू। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि हम हमारे घर में हमारे घर वालों को किस प्रकार से संबोधन करते हैं। दोस्तों अगर हर दिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, अगर आप उसे घर में अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, आप कुछ ही दिनों में तेलुगु सीख जाएंगे। लेकिन दोस्तों हर चीज को जानने के लिए, पाने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिल सकता। अभी हम जानेंगे दोस्तों आंसर, जैसे मी नाना गारु पेरु एमिटी, तो आप वहां पर बोलेंगे माँ नाना गारु पेरु, जो आपके पिताजी का नाम होगा। जैसे मैं बोलूंगा माँ नाना गारु पेरु वी वीर भद्र राव। अगर आपसे मैं पूछूंगा आपके माताजी का नाम क्या है, मी अम्मा गारु पेरु एमिटी, तो आप क्या बोलेंगे?
మా అమ్మగారు పేరు వి విజయ లక్ష్మి उसी तरह आपकी माताजी का नाम जो होगा आप वही बोलना है। उसी प्रकार आपके चाचा जी का नाम हो, आपकी चाची जी का नाम हो, या आपकी बहन के का नाम पूछे, या आपके छोटे भाई का नाम पूछे, या बड़े भाई का नाम पूछे, किसी का भी नाम पूछे दोस्तों, आपको बस माँ नानगारु, माँ अम्मगारु, माँ बाबैया गारु, माँ पिन्नी गारु, माँ ताता गारु, माँ अम्मा गारु ऐसे बोल बोल के नहीं किया, बस उनका नाम बताना है। वैसे बताने से वो आंसर करेक्ट रहता है। ठीक है ना दोस्तों, आप घर में आज जो जो मैंने आपको सिखाया है वो सब चीजों को, उन सभी वाक्यों को अच्छी तरह से घर में अभ्यास कीजिएगा, जिससे आप बहुत ही जल्दी तेलुगु सीख जाएंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको सब सिखाया था आपसे बिल्कुल भूलना नहीं, प्रतिदिन अभ्यास करना। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो जो मेरे चैनल में नए नए आए हैं प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, फिर कल एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। बाय, नमस्कार।